एक बूढ़ी अम्मा थी। तो बूढ़ी अम्मा, शाम का समय हो गया था, संध्या कालीन बिल्कुल थी, अंधेरा सा हो रहा था, और एक अम्मा कुछ खोज रही थी। क्या कर रही थी? कुछ खोज रही थी। वहाँ से दो तीन आदमी निकले, बोले बोले अम्मा बेचारी क्या खोज रही है? बोले अम्मा क्या खोज रही हो? बोले बेटा मेरी सुई गिर गई। क्या गिर गई? और सुई गिर गई है, उसको खोज रही हूँ। तो बोले अच्छा, तो वे भी खोजने लगे। बहुत देर तक खोजा तो सुई तो कहीं मिले नहीं। तो एक व्यक्ति बोला, अम्मा ये तो बताओ सुई गिरी कहाँ है, यहाँ तो कहीं दिखती नहीं। तो बोले बेटा सुई यहाँ है ही नहीं, सुई तो मेरी कहाँ गिरी है? झोपड़ी में, मैं वहाँ कपड़े सी रही थी और सुई तो वहाँ गिरी है। तो बोले अम्मा तुम्हारा दिमाग ठीक है? अरे सुई जब झोपड़े में गिरी तो यहाँ क्यों खोज रही? बोले झोपड़े में उजाला नहीं है, झोपड़े में क्या है? अंधेरा है। तो अंधेरा है तो वहां तो मिलेगी नहीं, और यहाँ प्रकाश है तो यही मिलेगी। तो समझ में आया? तो वो बोले अम्मा तुम बिल्कुल पागल हो। बोले बेटे ऐसे ही तो तुम भी पागल हो, तुम क्या कर रहे हो? कि हम क्या कर रहे? कह रहे तुम भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हो, सुख कहीं और है और तुम खोज कहीं और रहे हो। समझ में आया ने? तो मैं सुई में तुम्हें पागल समझ में आती हूँ, लेकिन अपने आप को देखा है? अरे कभी गहराई से विचार करो जी, आकुलता कहाँ से जन्मी? तुम्हारे अंदर जो आकुलता जन्मी, इसका जन्म हुआ कहाँ है, कैसे हुआ, उसको पकड़ लो। आकुलता तो जन्मी है अपने अंदर, और उसका समाधान खोजते हो बाहर। नहीं समझ में आया? ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये पांच इंद्रियां चूंकि बाहर की तरफ खुलती हैं, और बाहर दिखता है तुम्हें प्रकाश उजाला, तो तुम सोचते सुख यही होगा और वहां खोज रहे हो, और जबकि दुख कहाँ उत्पन्न हो रहा है? अंदर। तो भाई जब दुख अंदर उत्पन्न हो रहा है तो सुख भी कहाँ उत्पन्न होगा? ऐसे कैसे हो सकता है दुख अंदर उत्पन्न हो और सुख बाहर रखा हो? ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। श्री गुरु कहते हैं जब दुख तेरे अंदर उत्पन्न हो सकता है तो सुख भी तेरे ही अंदर उत्पन्न हो सकता है, पर का उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो साहब ये दुख उत्पन्न क्यों हो रहा है? हाँ अब प्रश्न ठीक है, अब दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है इसकी रिसर्च में जा, और तुझे ये समझ में आ गया कि दुख इस कारण उत्पन्न हो रहा है तो वो कारण दूर करने में कितनी देर लगेगी? नहीं समझ में आया? आपको आज बैठ के एनालिसिस करना कि मेरे अंदर जितने दुख चल रहे हैं वो किस वास्ते चल रहे हैं। तो ये दुख मैंने खुद पैदा करे कि कहीं से आए? आपको करोड़पति बनने का भाव है, वो करोड़पति बन नहीं पा रहे तो दुख हो गया। उदाहरण दे रहा हूं, तो ये करोड़पति बनने का भाव किसने किया? बाहर से तो किसी ने दिया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, तुमने स्वयं करोड़पति बनने का भाव किया और करोड़पति बन नहीं पाया तो दुख हो गया। अब तुम्हें सुख क्या दिख रहा है? कि करोड़पति बन जाऊंगा तो सुख हो जाएगा। यही तो गलती हो रही है, करोड़पति बन जाऊंगा ये सुख नहीं होगा, ये करोड़पति बनने की भावना ही मिट जाए तो सुख ही सुख है। पकड़ में आया? आप सुंदर दिखना चाहते हो, दुख हो गया। आप रात और दिन जितने दुख हैं लगा लेना, आप बच्चे के, मकान के, दुकान के, दौलत के, स्वरत के, मान कसाए, आप मान कसाए के पहाड़ पर चढ़ते चले जा रहे हो। चढ़ते कौन कह रहा है चढ़ो? आप खुद चढ़ रहे हो, और फिर आपका मान कोई खंडित कर देता है, आपको कोई दो अपशब्द कह देता है, आपकी आग लग जाती है। ये आग लग गई किसने लगाई? आपके कसाए का प्रसंग बन गया, आप अंदर दुखी हो गए। वो कसाए आई कहाँ से? अब मैं प्रवचन कर रहा हूँ, किसी ने कह दिया अच्छा प्रवचन नहीं करते आप, मेरे अंदर आग लग गई। तो क्यों लगी? क्योंकि मैं ये चाहता था कि लोग कहें कि अच्छा करते हैं, और तुमने कह दिया कि अच्छा, तो दुख कहाँ से आया? तुम्हारे कारण आया कि मेरी उस सोच के कारण आया जिसमें मैं ये चाहता था कि अच्छा कहें? अगर मैं चाहता ही नहीं कि कोई अच्छा कहे बुरा कहे मुझे क्या लें, तो दुख होता? तो आप देखोगे कि सारे दुख कहीं बाहर से नहीं आ रहे, मैं स्वयं अपनी मिथ्या कल्पना से पैदा कर रहा हूँ, और जब मैं पैदा कर सकता हूँ तो मैं नष्ट भी कर सकता हूँ। इतना सरल गणित है। लोग क्या कहते हैं अपने बच्चों से, ए मैं तुझे पैदा भी कर सकता हूँ तो मिटा भी सकता हूँ। ख्याल में है कि नहीं है?
रो एक फिल्म आई थी रोबोट, तो उसने रोबोट बनाया है ना, वो रोबोट बाद में उसे ही परेशान करने लगा। उसने कहा ए तू रोबोट है रोबोट, तुझे मैंने बनाया है ठीक है, और तू मुझे ही बता रहा है। उसने क्या किया, जरा सी बैटरी निकाल दी, रोबोट खत्म। क्योंकि तो रोबोट कैसे चलता है, बैटरी से। ऐसे श्री गुरु कहते हैं तुम ये जो दुखी हो रहे हो इसमें मन रूपी बैटरी काम कर रही है। कौन सी बैटरी काम कर रही है, तुम्हें मन की बैटरी हटा दो, मन बुझ जाएगा और आत्मा अपने आप सुख में चला जाएगा।